गुड आफ्टरनून गाइस, आज फिर हम लोग हाजिर हैं प्रेपोजिशन का एक और पार्ट पढ़ने के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे बिहेवियर ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक, प्रेपोजिशन का व्यवहार कह सकते हैं या उनके रूल्स जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं, आज उसके आगे बात करते हैं। अगर कहीं पर टुमारो, इस्टरडे या टुडे, अगर कहीं किसी वाक्य में टुमारो, इस्टरडे, टुडे आदि शब्द दिए हों तो हम इनसे पहले किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी इनसे पहले नो प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कह दें कि आई डू इट ऑन टुमारो। अब देखा जाए अगर इस सेंटेंस में तो कह रहा है आई डू इट ऑन टुमारो। टुमारो के ठीक पहले यहां प्रेपोजिशन ऑन लगा है और हम जानते हैं कि टुमारो, इस्टरडे और टुडे के पहले किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, यानी आई डू इट टुमारो ये कहना उचित होगा। ऐसे ही मान लीजिए हम दूसरा ले ले, अगर ऐसे कह दें कि ही शॉ मी ऑन इस्टरडे, तो आपके अनुसार इस सेंटेंस में क्या करेक्शन होना चाहिए? अगर देखा जाए तो इस्टरडे दिया है तो इस्टरडे के पहले भी किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, यानी ही शॉ मी क्या होना चाहिए? इस्टरडे। ये एक दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, आई प्रॉमिस्ड हिम, या मान लीजिए कह दें सी प्रॉमिस्ड ही टू कम हेयर ऑन टूडे। शी प्रॉमिस्ड हिम टू कम हेयर ऑन टूडे, तो देखिए यहां पे टूडे दिया गया है तो इस टूडे के पहले प्रेपोजिशन ऑन का यूज नहीं होगा, यानी इसको हमें कहना होगा सी प्रॉमिस्ड मी या सी प्रॉमिस्ड हिम टू कम हेयर टूडे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि टाइम में जब टुमारो दिया हो यानी आने वाला कर, इस्टरडे बीता हुआ कर, टुडे आज, तो इनके साथ इनके पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे चलिए अब इससे रिलेटेड एक बात और करते हैं, कभी कभी इस टुमारो, इस्टरडे और टुडे इन सभी के साथ कुछ मतलब जैसे मॉर्निंग इवनिंग को जोड़ कर देता है। जैसे अगर हम कहें तो टुमारो मॉर्निंग कहा जाता है, या मान लीजिए हम कह दें तो टुमारो इवनिंग कहा जाता है, या फिर मान लीजिए हम कह दें इस्टरडे आफ्टरनून, या फिर मान लीजिए हम कह दें इस्टरडे इवनिंग, या ए वीक एगो। ऐसे बहुत सारे मतलब जिसको हम कंपाउंड वर्ड भी कह सकते हैं, जिसके साथ मॉर्निंग इवनिंग को टुमारो, इस्टरडे, टुडे के साथ जोड़ करके दिया जाता है। तो देखिए होता क्या है कि कहा जाता है कि इनके पहले भी किसी, इनके पहले भी किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं नो प्रेपोजिशन। फिर से सुनिएगा, टुमारो, इस्टरडे और टुडे के पहले नो प्रेपोजिशन, यानी किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर कहें टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग,
yesterday afternoon या yesterday evening या a week ago, मतलब इस तरह से वर्ड दिए हूं तब भी हम क्या कहते हैं कि इसके पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि I'll go to school on, मान लीजिए कह दे tomorrow morning, ठीक, मैं कल सुबह स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल ऑन टुमारो मॉर्निंग। तो देखिए टुमारो मॉर्निंग लिखा है ना, तो इससे पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, यानी आई विल गो टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग। ये तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए, टुमारो यस्टरडे टुडे के पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं, दूसरा अगर टुमारो के साथ मॉर्निंग या यस्टरडे के साथ मॉर्निंग या टुडे के साथ, सॉरी टुडे तो ऐसे मतलब दिस दैट में होता है, वो अभी मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताता हूं। तो अगर इस तरह से ठीक इन सभी के पहले कोई प्रेपोजिशन लगा होता है तो उस प्रेपोजिशन को हम हटा देते हैं, यानी इनके पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ टुमारो मॉर्निंग कर दिया, टुमारो इवनिंग कर दिया, तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ हम सीखने का प्रयास करते हैं जो सामान्यतः बहुत कम देखने को मिलता है। टुमारो और यस्टरडे के साथ हम मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून का यूज करते हैं, लेकिन टुडे के साथ ऐसा नहीं होता है। जरा इसको हम चार्ट से समझते हैं। देखिए तीन टाइम है, जो बीत गया उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यस्टरडे, जो बीत गया उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यस्टरडे। चलिए जो चल रहा है वो कहलाता है टुडे, और जो आने वाला है वो हमारा होता है टुमारो। तो ये तीन है, तीनों को याद रखिए, यस्टरडे टुडे और टुमारो। अब हम क्या करते हैं इनके साथ ऐड करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा यस्टरडे मॉर्निंग, हमने कहा यस्टरडे आफ्टरनून, हमने कहा यस्टरडे इवनिंग, हमने कहा यस्टरडे नाइट, ठीक। अब यही चार कॉम्बिनेशन जरा हम टुडे के साथ लगाते हैं, हमने कहा टुडे मॉर्निंग, टुडे आफ्टरनून, टुडे इवनिंग, टुडे नाइट, और यही चीज फिर हम टुमारो के साथ करते हैं। मान लीजिए कह दें टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, टुमारो इवनिंग, टुमारो नाइट, ठीक। जरा चार्ट को देखिएगा ध्यान से, तो आइए जरा हम चार्ट से देखते हैं कि इसमें कुछ तो सही है लेकिन कुछ गलत है। जैसे अगर हम यस्टरडे मॉर्निंग कहते हैं तो यस्टरडे मॉर्निंग कहना ये हमारा सही है, यस्टरडे मॉर्निंग कहा जाता है। यस्टरडे आफ्टरनून ये भी आपका सही है, यस्टरडे इवनिंग ये भी सही है, ठीक। यानी यस्टरडे के साथ हम मॉर्निंग, यस्टरडे के साथ आफ्टरनून, यस्टरडे के साथ इवनिंग हम लगाते हैं, लेकिन जब हम यस्टरडे नाइट कहते हैं तो ये हमारा गलत होता है। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपको यस्टरडे नाइट मिल जाए तो ये गलत है, बल्कि यस्टरडे नाइट को हम
लास्ट नाइट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टरडे मॉर्निंग सही है, स्टरडे आफ्टरनून ये भी सही है, स्टरडे इवनिंग ये भी सही है, लेकिन स्टरडे नाइट नहीं होता, स्टरडे नाइट को लास्ट नाइट बोला जाता है। अब जरा इसमें आते हैं, टुडे मॉर्निंग गलत है, यानी जब टुडे मॉर्निंग कहीं लिखा होता है तो इसको गलत कहा जाता है, इसको हमें कहना चाहिए दिस मॉर्निंग। ये टुडे आफ्टरनून को दिस आफ्टरनून, टुडे इवनिंग को दिस इवनिंग। ये ध्यान से फिर से समझिएगा, स्टरडे मॉर्निंग सही है, स्टरडे आफ्टरनून सही है, स्टरडे इवनिंग सही है, लेकिन स्टरडे नाइट गलत है, लास्ट नाइट ये सही है। टुडे मॉर्निंग ये गलत है, टुडे मॉर्निंग की जगह हमेशा क्या होना चाहिए, दिस मॉर्निंग। टुडे आफ्टरनून दिस आफ्टरनून, टुडे इवनिंग दिस इवनिंग, टुडे नाइट ये भी गलत है, और अगर कहीं आपको ऐसे मिल जाए दिस नाइट तो ये भी गलत है। यानी इसको टुडे नाइट को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं टू नाइट। ये तो याद रखिएगा, टुडे नाइट नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता, दिस नाइट नहीं, आप कहिए टू नाइट। दूसरे में आते हैं यानी टुमारो में, तो टुमारो मॉर्निंग बोलना सही है, टुमारो आफ्टरनून कहना सही है, टुमारो इवनिंग कहना सही है, और टुमारो नाइट ये भी कहना सही है। तो याद रखिए कि टुमारो के साथ हम मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट जो भी लगाते हैं वो हमारा सही रहता है। स्टरडे के साथ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तो सही है, नाइट गलत है, लास्ट नाइट। और टुडे के साथ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग और नाइट नहीं होता, मॉर्निंग जोड़ने पर टुडे मॉर्निंग को दिस मॉर्निंग कहेंगे, टुडे आफ्टरनून को दिस आफ्टरनून बोलेंगे, टुडे इवनिंग को दिस इवनिंग बोलेंगे, लेकिन टुनाइट को दिस नाइट नहीं बोलेंगे बल्कि उसको टुनाइट बोलेंगे। एक बार इसको आप उतार लीजिए। चलिए जरा इस पर कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क स्टरडे नाइट, ठीक, यानी ही कंप्लीटेड हिज वर्क स्टरडे नाइट। अब इस वाक्य में क्या गलत है, तो देखिए हमने कहा कि स्टरडे के साथ मॉर्निंग जोड़िए सही है, आफ्टरनून सही है, इवनिंग सही है, लेकिन स्टरडे नाइट कहना गलत है। यानी इस स्टरडे को हम चेंज करेंगे लास्ट में, यानी कहेंगे ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। ये ऐसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस ले लें, कह रहे ही विल कम हेयर ऑन, या ही विल कम हेयर ऑन टुडे नाइट। ध्यान दीजिएगा, ही विल कम हेयर ऑन टुडे नाइट। अब कहा गया कि बताइए इसमें क्या गलत है, तो पहली चीज तो यह ध्यान रखिएगा कि जब टुडे लिखा है तो यानी यहां पर हम प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, और दूसरी चीज ये टुडे नाइट नहीं होता, टुडे नाइट गलत है, बल्कि इसको टू नाइट होना चाहिए, यानी ही विल कम हेयर टू नाइट। ये ऐसा मान लीजिए एक दूसरा और ले लेते हैं कि आई सा हिम लास्ट इवनिंग, आई सा हिम लास्ट इवनिंग। तो देखिए लास्ट शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लास्ट तो केवल नाइट के साथ आ रहा है, तो इसको हमें कहना चाहिए था आई सा हिम स्टरडे इवनिंग। ये तो इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा
जो मैंने चार्ट बनाया, क्योंकि कभी कभी इस स्टरडे और नाइट मॉर्निंग को जोड़ने के साथ साथ भी कंफ्यूजन दे दिए जाते हैं और इस पर भी क्वेश्चंस आपसे पुट अप हो सकते हैं। जैसे तो गाइस मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक दो बार यानी वीडियो को आप देखें तो पूर्णतः ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मतलब क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रीपोजिशन का एक लास्ट वीडियो और देंगे। ठीक है, यानी उसमें भी कुछ जो कुछ बचा हुआ है वो एक साथ उसको ख़त्म करके और फिर आगे से एक नई सीरीज फिर से शुरू करने चल रहे हैं, यानी इसके बाद एडवर्ब, पहले एडवर्ब को कवर करते हैं क्योंकि आपका प्रीपोजिशन हो गया, क्वेश्चन टाइप हो गया, अब एडवर्ब को कवर करके फिर किसी दूसरे पार्ट पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।